बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फिलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के, 57 लाख, इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जितने हमने दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं 45 साल से ऊपर की उम्र के, लोग उसमें बहुत कम आ रहे हैं, अपने से लोगों का बहुत कम आना हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी समय खाली रहते हैं, काफ़ी दवाई बच जाती है। उसके मद्देनज़र ये तय किया गया कि लोगों की इंतज़ार किए बिना अब हमें लोगों तक जाना पड़ेगा, अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। तो इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे। क्या है ये अभियान? इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग सेंटर कहां है, जहां आप वोट डालने जाते हो आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग सेंटर जो होता है वो लगभग घरों के बहुत पास होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, तो लोग बड़े आराम से चल के वहां पे वॉकिंग डिस्टेंस अपने घर के बगल पे वो कर सकते हैं। तो इसका पूरा खाका किस तरह से बनाया गया इस पूरे अभियान का, आज से दिल्ली के 70 वार्ड्स के अंदर ये शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 272 वार्ड हैं और 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे वार्ड नहीं है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर वहां भी 4-4 मान लें तो 280 वार्ड मान लीजिए आप। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 280 वार्ड हैं। हर हफ्ते 70 वार्ड के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा, इस हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, अगले हफ्ते 70 वार्ड्स के अंदर, तो एक तरह से 4 महीने के अंदर ये पूरा अभियान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जिन 70 वार्ड्स के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है, आज पहला दिन है, आज वहाँ के BLO को, बूथ लेवल ऑफिसर को, उन 70 वार्ड्स के बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स अगले 2 दिन तक अपने अपने बूथ में हर घर में जाएंगे, हर घर में जाके उनसे पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर की उम्र के कौन है। उनके पास वोटर लिस्ट भी होगी, वोटर लिस्ट से भी पता चल जाता है 45 साल से ऊपर के कौन है। लेकिन मान लीजिए किसी का वोट नहीं भी बना हुआ, तो उस बूथ में आने वाले सभी घरों को कवर किया जाएगा। हर घर में जाके पूछेंगे आपके घर में 45 साल से ऊपर के कौन है, क्या उनको वैक्सीन लग चुका है, अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगाए तो वो उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने का स्लॉट दे के आएंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पे इतने बजे आके अपना वैक्सीन लगवा लीजिएगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्लॉट्स मिलते जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ही मना कर देंगे कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बैठ के मनाने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन लगवा लीजिए, कोरोना के खिलाफ यही एक इफेक्टिव उपाय है। और केवल बूथ लेवल ऑफिसर्स नहीं जा रहे, इसमें टीम बनाई जा रही है, दो दो तीन तीन लोगों की, हर बूथ लेवल ऑफिसर के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी लगाया जा रहा है। तो दो दो तीन तीन लोगों की टीम जाएगी हर एक के घर पर और उनको स्लॉट्स दे के आएगी। तो आज बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है, कल ये लोग अपने अपने बूथ पर जाएंगे, घर घर में जाएंगे, और परसों के स्लॉट्स दे के आएंगे, परसों भी जाएंगे, अगले दिन के स्लॉट्स। 2 दिन बूथ लेवल ऑफिसर्स घूम के अपना बूथ कंप्लीट कर देंगे और ये वाले 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर वो उनको वैक्सीनेशन लगेगा।
फिर हम ये देखेंगे कि जिन जिन को हमने स्लॉट्स दिया था वो सब वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए कि नहीं आए। जो जो लोग नहीं आए उनके घर में दोबारा जाएंगे, दो राउंड लगेंगे, उनके घर में दोबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि प्लीज़ आइए वैक्सीन लगवाइए, और अगले दो दिन उनके घर में भी कंप्लीट किया जाएगा। तो 5 दिन की साइकिल 70 वार्ड में 5 दिन की साइकिल ये चलेगी, और फिर अगले हफ्ते फिर अगले 70 वार्ड के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी दिल्ली को एक साथ कारपेट उसकी तरह कवर करने का पूरा प्लान बनाया गया है। 4 हफ्ते के बाद हम आधिकारिक तौर पे कह पाएंगे कि दिल्ली में जो जो लोग 45 साल की उम्र के ऊपर वैक्सीन लगवाना चाहते थे, हमने उनके घर जा जा के उनको इनवाइट करके वैक्सीन लगा दिए। जो जो लोग आना चाहेंगे, हमने खूब सारी ई रिक्शा का इंतजाम किया है, लोगों को घरों से वैक्सीनेशन सेंटर तक, पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ई रिक्शा का पूरी दिल्ली में इंतजाम कर रहे हैं। जो जो लोग आना चाहेंगे उनको उनके ई रिक्शा के ज़रिए उनको लाया जा सकता है। तो ये एक तरह से 4 हफ्ते में हम ये कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके बाद 3 महीने बाद जो भी केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है कि अगली वैक्सीन जब भी लगनी है, तो 2 महीने 3 महीने बाद एक ये दूसरा राउंड दोबारा इसी तरह से पोलिंग सेंटर के ऊपर चलाएंगे, और दूसरी वैक्सीन भी इसी तरह से 1 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को लगा देंगे। जब हमारे पास 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी, तो इसी तरह से 2 राउंड करके, पूरी दिल्ली के 2 राउंड करके 2 महीने के अंदर हम 18 से 44 साल की उम्र के बच्चों को, लोगों को भी, युवाओं को भी हम वैक्सीन लगा देंगे। तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, कल से बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे, उनकी टीम आपके घर पे आएगी, और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे अपील है जब वो आपके घर में आए आप उनका स्वागत भी कीजिएगा, और बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि बूथ स्तर पर वैक्सीन लगवाने की तैयारी है, और इसी को लेकर अब सरकार अपना काम आगे बढ़ा रही है, और हम लोगों को मनाएंगे, क्योंकि पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां देखा गया कि लोग गांव के गांव, ज़िले के ज़िले वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में सरकार किस तरह की व्यवस्था करने जा रही है ताकि लोगों को हम ये जागरूक कर सकें कि वैक्सीन से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वो वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन लगवाएं। हम बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया, जैसे बूथ स्तर पर हम वोटिंग कराते हैं, मतदान करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक उसी तरह से बूथ बनाए जाएंगे जिस पर लोग आसानी से जाकर लाइन में लगकर वैक्सीन ले सकें। तो इस तरह की तैयारियां दिल्ली सरकार की है। एक बार फिर से आपको बताते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।